तो अपना जो टॉपिक है साथियों आपको पता है सभी को, ठीक है। अभी तक जिसने भी पिछली क्लास ये नहीं देखी है तो एक बार पहले पिछली क्लास को देखो, तब जाकर आपको समझ आएगा। हाँ भाई, यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर बात करते हैं राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल, राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल हम साथियों इसमें पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल में, और इसे हम कहते हैं इतिहासकारों का काल भी कहा जाता है, इतिहास एवं इतिहासकारों का काल कहते हैं। और इसका जो आपको समय है साथियों, वो समय यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका समय क्या है भाई, 18वीं सदी से, ठीक है, 18वीं सदी से वर्तमान तक साथियों इसका क्या माना जाता है, इसका समय माना जाता है, ओके, ठीक है। ये आपको जान रखना है, इसका जो समय माना जाता है पहले साथियों वो 18वीं सदी से लेकर वर्तमान तक माना जाता है। किसका माना जाता है भाई, वो माना जाता है आपका राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल का, ओके। अब इसमें जो हम सबसे पहले कवि पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे साथियों सूर्यमल मिश्रण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहाँ से आता है, बूंदी से आता है, और इन्हें राजस्थान का राजकीय कवि भी कहा जाता है। किन्हें, सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राजकीय कवि भी कहते हैं। इसके अलावा साथियों ने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा कहा जाता है, ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा कौन है भाई, तो वो हो जाएंगे आपके साथियों सूर्यमल मिश्रण जी हो जाएंगे, ओके, ठीक है। इसके अलावा साथियों आधुनिक काल में डिंगल परंपरा के प्रथम और अंतिम कवि भी कौन है, सूर्यमल मिश्रण जी हैं, ठीक है। आधुनिक परंपरा में डिंगल और डिंगल परंपरा के, सॉरी, आधुनिक परंपरा में, ठीक है, आधुनिक काल या आधुनिक परंपरा में डिंगल जो परंपरा है साथियों, इसके प्रथम और अंतिम कवि आपके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर वीर सूर्यमल मिश्रण, वीर कवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राजकीय कवि भी ये हैं, ओके, ठीक है। ये आपको साथियों यहाँ पर इसमें क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, इसमें साथियों आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अब बात करते हैं इनके बारे में, हम इनका जन्म कहाँ पर होता है, देखो भाई, तो इनका जो जन्म होता है साथियों वो कहाँ पर होता है भाई, हरणा गांव बूंदी में इनका जन्म होता है, ठीक है। जन्म कहाँ पर होता है इनका, बूंदी में होता है, हरणा गांव बूंदी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। माता कौन थी इनकी, भवाई बाई, और पिता इनके थे साथियों चंडीदान, ठीक है। पिता कौन थे इनके, चंडी दान, ठीक है। ध्यान से सुनना इनके बारे में थोड़ा, है ना, ओके। अब देखो बात करते हैं साथियों कि ये दरबारी कवि किसके थे, है ना, कौन से शासक थे जिनके ये दरबारी कवि थे। तो ये बूंदी के एक शासक आते हैं साथियों राम सिंह, ठीक है। बूंदी के कौन से शासक आते हैं, राम सिंह। अब आपसे पूछ ले कि राम सिंह के दरबारी कवि कौन है, तो राम सिंह के दरबारी कवि कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पर, वो हो जाएंगे आपके राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, ओके, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो साथियों एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और यहाँ पर, जो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने सूर्यमल मिश्रण के बारे में कहा कि सूर्यमल मिश्रण अपने काव्य और कविता को, है ना, डे ऑफ लास्ट माइंस ट्रेल्स बना गए तथा स्वम लास्ट ऑफ जेनेट्स बने, ओके, ठीक है। यानी कि ये पंक्तियां सूर्यमल मिश्रण के बारे में साथियों किसने कही है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ये पंक्तियां सूर्यमल मिश्रण के बारे में कही है। यानी कि अंतिम समय में वो अपनी कविताओं को बहुत अच्छा बना गए, शानदार बना गए, और अपने आप को भी साथियों एक महान व्यक्ति बनाकर चले गए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम साथियों इसमें आगे यहाँ पर कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो प्रमुख ग्रंथों में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है साथियों वंश भास्कर, ठीक है, वंश भास्कर आता है। और देखो क्वेश्चन आता है कि वंश भास्कर में कहाँ का इतिहास है, जैसे नैनसिरी ख्यात में कहाँ का इतिहास है, जोधपुर का इतिहास है, ठीक है। और इसके अलावा दयालदास री ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, ओके। इसी प्रकार से साथ यदि मैं बात करता हूँ वंश भास्कर, तो वंश भास्कर का संबंध जो आपका हो जाएगा वो किससे होगा, बूंदी राज्य के शासकों से,
वंश भास्कर में बूंदी राज्य का हमें क्या देखने को मिलता है, इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है ओके। तो इस ग्रंथ में राज्य बूंदी का अघात्मक शैली में इतिहास लिखा है। ओके ठीक है। और इसकी जो रचना होती है साथियों कब होती है भाई, 1840 में साथियों इसकी रचना होती है, किसकी, वंश भास्कर की, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। ठीक है। डिंगल इस ग्रंथ में कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है, पिंगल डिंगल फारसी अरबी उर्दू। ठीक है ओके। इनकी इस ग्रंथ में साथियों में कई भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है, डिंगल का, पिंगल, फारसी, अरबी और उर्दू, इन सभी भाषाओं का हमें वर्णन कहां देखने को मिलता है, वंश भास्कर में देखने को मिलता है। ओके भाई ठीक है, यहां तक साथियों आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे यदि अब मैं बात करता हूं इसमें महाभारत के समान यह ग्रंथ बड़ा है, अतः इस ग्रंथ को विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को क्या कहा गया साथियों, विश्वकोश ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया। क्यों कहा गया है, जिस प्रकार से महाभारत है साथियों उसी तरीके से आपका ये भी है, कौन सा, वंश भास्कर, और वंश भास्कर किसका है, सूर्यमल मिश्रण जी का है। ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको यहां पर इसमें देखना है साथियों, नेक्स्ट आगे जो इसमें बताया गया कि खानवा के युद्ध तथा राजस्थान में मराठों के आक्रमण का वर्णन भी हमें कहां देखने को मिलता है, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण जी का जो ग्रंथ है साथियों उसमें हमें देखने को मिलता है। ओके ठीक है। इस ग्रंथ में बूंदी की स्थापना से लेकर नारायण राव हाडा की मृत्यु तक का साथियों में क्या देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें है, अब देखो भाई यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वंश भास्कर को पूर्ण किसके द्वारा किया गया था, जैसे हम पढ़ते ना कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था, उनके पुत्र कौन थे, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के पुत्र कौन थे भाई, हाँ बताओ, जलन। ठीक है। जैसे साथियों पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के पुत्र कौन थे, जलन, उनके द्वारा पूरा किया गया था। इसी प्रकार से जो वंश भास्कर है, इस वंश भास्कर को पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है सूर्यमल के दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है, मुरारी दान को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन साथियों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है सीधा सीधा, और क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन आपका यही आता है कि वंश भास्कर को पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है, तो वंश भास्कर को पूर्ण करने का श्रेय जाता है साथियों मुरारी दान को। ठीक है ओके। नेक्स्ट आगे देखो अगले ग्रंथ भाई इनके, अगला ग्रंथ है साथियों वीर सत्सई। ठीक है। वीर सत्सई, वीर सत्सई है, भाषा कैसी है इसकी, डिंगल है, वीर रसात्मक शैली में रचित ग्रंथ है, और ये ग्रंथ साथियों 1897 क्रांति के दौरान लिखा गया था। ठीक है। तो एक तो आपका हो गया इनका कौन सा ग्रंथ, वंश भास्कर, और दूसरा कौन सा है साथियों आपका, वीर सत्सई। इस ग्रंथ के प्रथम दोहे का प्रारंभ समय पलटी शीश नामक दोहे से होता है ना। ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें कि राजस्थान की मिट्टी के लिए अपने देश के लिए मर मिटने वाले रणबांकुरों की वीरता का उल्लेख भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अगला ग्रंथ इनका आता है साथियों यहाँ पर, अगला ग्रंथ कौन सा आता है इनका, अगला ग्रंथ आता है साथियों यहाँ पर इनका राम रंजाट। ओके। राम रंजाट इनका अगला ग्रंथ आता है। तो एक तो आपका हो गया साथियों इनका वंश भास्कर। ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा इनका भी, अभी जो हमने पढ़ा था, हाँ वीर सत्सई, और तीसरा हो गया राम रंजाट, अभी एक आएगा बलवंत विलास भी आ गए। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस ग्रंथ में लोक संस्कृति का दर्पण देखने को मिलता है, किसमें, राम रंजाट में। ठीक है। राम रंजाट। ओके। नेक्स्ट आपका आगे आता है साथियों इसमें बलवंत विलास, कौन सा ग्रंथ आएगा भाई इसमें आपका, बलवंत विलास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला ग्रंथ होगा आपका इसका बलवंत विलास। ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन सा इसका, बलवंत विलास है, और इसमें रतलाम के महाराजा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रतलाम यानी कि जो एमपी के शासक थे साथियों बलवंत सिंह, उनके चरित्र का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है साथियों बलवंत विलास में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इस ग्रंथ में सती प्रथा का विस्तार से वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। उपनाम
सतिरासो ग्रंथ विषय कहा जाता है, सतिरासो। ओके ठीक है, सतिरासो किसका नाम है भाई? बलवंत विलास का नाम है। एक बार फिर ध्यान से सुन लो सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण साथियों किसका किस राज्य से रिलेटेड था? बूंदी राज्य से रिलेटेड था ठीक है। और सूर्यमल किसका दरबारी कवि था? राम सिंह का दरबारी कवि था ठीक है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ आता है साथियों, कौन सा आता है? वंश भास्कर। कौन सा आता है भाई? वंश भास्कर। और वंश भास्कर में कहां का ग्रंथ हमें देखने को मिलता है? वंश भास्कर में साथियों में बूंदी राज्य का इतिहास देखने को मिलता है। राम सिंह का दरबारी कवि था। और वंश भास्कर को स्टार्ट तो किसी ने किया था? सूर्यमल मिश्रण ने। लेकिन वंश भास्कर को जो साथियों पूर्ण किया था वो उनके दत्तक पुत्र कौन थे? मुरारी दान, उनके द्वारा उसे पूरा किया जाता है। इसके अलावा इनके और अगले ग्रंथ हैं वीर सत्सई है ठीक है। वीर सत्सई के अलावा साथियों एक राम रंजाट है, और राम रंजाट के अलावा एक ग्रंथ इनका है बलवंत विलास, जिसका अन्य नाम सती रासो ग्रंथ भी से कहा जाता है, जिसमें हमें साथियों सती प्रथा के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। ओके ठीक है, बताएं मुझे साथियों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो ओके ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखो भाई इसमें ठीक है। तो ये तो आपको जाते हैं साथियों सूर्यमल मिश्रण के बारे में है ना। धातु रूपावली और छंद महुक ये कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं साथियों जी एच ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ठीक है। अगले कौन आते हैं आपके? जी एच ओझा 1863 से लेकर 1947 तक ठीक है। जन्म इनका होता है साथियों रोहिड़ा गांव सिरोही में होता है। पिता हीरा चंद थे, मूल नाम इनका क्या था? गौरी शंकर ठीक है। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ठीक है ओके। उपाधि 1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और उपनाम ये साथियों इन्हें राजस्थान का ग्रीवन कहा जाता है ना। शिक्षा इनके कहां होती है भाई? बंबई में LLB MA इतिहास से इन्होंने किया था। तो यहां तक अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं है, केवल याद रखो तो इतना सा रख लो बस यहाँ पर कि गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा का जन्म किस जिले में होता है भाई? सिरोही जिले में होता है ठीक है। कहां से रिलेटेड थे आपके ये? सिरोही जिले से रिलेटेड थे, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है ठीक है। नेक्स्ट आगे यदि बात करता हूँ साथियों में इनके गुरु कौन थे भाई इनके? तो इनके जो गुरु थे साथियों आपके वो थे कविराज श्यामल दास दडवाड़िया ठीक है। कविराज श्यामल दास दडवाड़िया इनके क्या थे साथियों? गुरु थे गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के। 1937 में काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने दिल लिट की मानक उपाधि प्राप्त की थी। और राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार किसे कहा जाता है? इसको लगा लेना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार जिसने राजस्थान का पूरा इतिहास लिखा था साथियों तो वो कौन था? गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ठीक है, जी एच ओझा। अब बात करते हैं साथियों गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन इनका इंपॉर्टेंट है साथियों, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये वाला ठीक है। इसको लगा लेना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये वाला कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक कौन है ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों आपके? जी एच ओझा। कौन हो जाएंगे? जी एच ओझा है। लिपि संबंधित संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सोलंकियों का प्राचीन इतिहास इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा राजपूतानों का इतिहास भी है। नागरी अंकन और अक्षर इसमें है साथियों। और उदयपुर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास भी हमें इसमें देखने को मिलता है ओके ठीक है। ये इनकी पुस्तकें हैं ठीक है ओके है ना। मेन तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना भाई? मेन आपको ध्यान रखना इसमें बस भारतीय प्राचीन लिपिमाला, बाकी और इनको आप याद करो या मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो भाई साहब आपको याद करनी पड़ेगी, भारतीय प्राचीन लिपि माला ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है इसमें आपका कर्नल जेम्स टोडर द्वारा लिखित अंग्रेजी भाषा के राजस्थान के इतिहास का हिंदी में रूपांतरण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जी एच ओझा के द्वारा किया गया था ओके ठीक है। इतना साथियों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले आते हैं
भारतीय लिपि का शास्त्र अंकन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इन्होंने दर्ज करवाया था। किसने? जीएच ओझा ने। ओके। और इन्होंने नैन्सी विख्यात और नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी संपादन किया था। मृत्यु की कब होती है साथियों? 17 अप्रैल 1947 को। क्या हो जाती है भाई? इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, ठीक है, इतना आपको यहां तक ध्यान रखना है। अब बात करेंगे साथियों नेक्स्ट अपने आते हैं कन्हैया लाल सेठिया जी। ठीक है, कौन आते हैं भाई अपने नेक्स्ट? अगले कन्हैया लाल सेठिया शेखावटी क्षेत्र से, सुजानगढ़ चूरू। ठीक है, कन्हैया लाल सेठिया, पाथल पीथल धरती दोरारी मिंजर, है ना? ठीक है, ओके। सारी की सारी इनके क्या है भाई? रचनाएं सूर्यमल, सॉरी हाँ सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, है ना, ये कन्हैया लाल सेठिया की आपकी। ओके, तो देखो भाई जन्म इनका कहां पर होता है भाई? 1919 ईस्वी को कहां होता है? सुजानगढ़ चूरू जिले में इनका जन्म होता है। अब देखो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार साथियों यहां पर दिए गए हैं। तो एक इन्हें दिया गया राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये मरणोपरांत मरने के बाद दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री ने भारत सरकार द्वारा दिया गया था, और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार साथियों ने शब्द ग्रंथ के लिए दिया गया था, और राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा इन्हें दिया गया था ये वाला। ठीक है, एक नेक्स्ट आगे पुरस्कार इनको दिया गया था साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों किसके लिए दिया गया था इन्हें? ये दिया गया था लिलटास के लिए। ठीक है, तो लिलटास की भी किसकी रचना साथियों? कन्हैया लाल सेठिया की है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ओके, अब देखो इनकी रचना कौन कौन सी आती है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इनकी रचना देखो साथियों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं की यदि मैं बात करता हूं, नंबर एक धरती धुरारी, है ना, पाथल और पीतल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, पाथल और पीतल। ठीक है, जो जो भी आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगी वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूं। पाथल और पीतल, पाथल साथियों किसे कहा गया यहाँ पर भाई, है ना, देखो पाथल कहा गया प्यारे साथियों यहाँ पर महाराणा प्रताप को। पाथल किसे कहा गया? वीर श्रोमणि महाराणा प्रताप को कहा गया है। जबकि पीतल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। अरे वही पृथ्वीराज राठौड़ है, बीकानेर वाला। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं साथियों यहाँ पर? डिंगल का हैरोस भी कहा गया इसे। क्या कहा गया? डिंगल का हैरोस। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ जिसे साथियों डिंगल का हैरोस भी कहा जाता है, दोनों के मध्य संवाद का मार्मिक चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगला आता है वनफूल, कन्हैया लाल सेठिया जी का प्रथम काव्य संग्रह है, मिंजर है, लिलटास है, हिमानी है, मायड रोहेलो भी है। ठीक है, और इसके अलावा काको कोडरो है, और लेके लिकाणो, ये इनके क्या है भाई? प्रमुख ग्रंथ है। आपको यहाँ पर देखो, एक तो धरती धुरारी याद रख लो, एक पीथल और पाथल रख लो, और दो ये रख लो, है ना, मिंजर और लिलटास, ये चार पूछे जाते हैं। चार में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पीतल और पाथल वाला साथियों, सबसे ज्यादा आपका क्या है भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। ठीक है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर 2008 में कन्हैया लाल सेठिया का देहांत हो गया था। काम क्षेत्र का कौन सा था? कलकत्ता था। राजस्थान की भाषा एवं हिंदी के बहुत बड़े साथियों क्या थे भाई? हिमायती थे। ओके, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके विजयदान देता उर्फ बिज्जी। ठीक है, विजयदान देता उर्फ बिज्जी, अरे इनका उपनाम क्या था भाई? बिज्जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लोक कथाओं का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि वैसे भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहा जाता है, और राजस्थान का शेक्सपियर भी साथियों मैंने कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, विजयदान देता उर्फ बिज्जी, बिज्जी के नाम से जाना जाता है, लोक कथाओं का शेक्सपियर कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर भी साथियों ने कहा जाता है। आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जन्म इनका 1 नवंबर 1926 बोरुंदा जोधपुर में होता है, और बोरुंदा जोधपुर जो 1960 में जिसकी स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे कोमल कोठारी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? उस संस्था के सह संस्थापक हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 में बिज्जी को नोबल पुरस्कार के लिए नामांकित
किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें आपका है रूपायन संस्थान। तो रूपायन संस्थान साथियों कहां पर है भाई, रूपायन संस्थान आपको ध्यान रखना है, रूपायन संस्थान बुरुंदा जोधपुर में स्थित है। और रूपायन संस्थान की यदि मैं बात करता हूं स्थापना, तो रूपायन संस्थान की स्थापना कब होती है साथियों, 1960 में होती है, ठीक है। कब होती है भाई ये, 1960 में होती है। ये रूपायन संस्थान के क्या थे भाई, सह संस्थापक थे, है ना बिज्जी, इसके क्या थे भाई, सह संस्थापक रहे हैं। और राजस्थानी लोक कलाओं के संरक्षण हेतु कार्यरत इस संस्था के कोमल कोठारी के बिज्जी सह संस्थापक थे। कोमल कोठारी इसके क्या थे भाई, संस्थापक, ठीक है ना, ओके। कोमल कोठारी इसके क्या थे साथियों, संस्था के संस्थापक थे, कौन सी के, रूपायन संस्थान के। जबकि सह संस्थापक कौन थे इसके, आपके विजयदान देता उस बिज्जी। 10 नवंबर 2013 को विजयदान देता के क्या हो जाती है साथियों, देहांत हो जाती है। अब देखो भाई इनकी रचना, यहां से आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन साथियों इनके बारे में आते हैं। नंबर एक तो इसे लगा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में 100% छपता है। वैसे उषा है 1946 में बिज्जी द्वारा प्रकाशित काव्य बातारी फुलवारी, यह साथियों कितने खंडों में बटा हुआ है, 14 खंडों में, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये साथियों हाल ही में हुए एग्जामों में कि बातारी फुलवारी ग्रंथ कितने भागों में संकलित है, तो कितने भागों में भाई, 14 भागों में है, ठीक है। और जो इसका 10वां भाग है, 10वां खंड है साथियों, उसे केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा क्या मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है, राजस्थानी कृति पर प्रथम पुरस्कार भी इसी पर मिला था आपके बातारी फुलवारी पर, ठीक है। बिज्जी के काव्य कथाओं पर बनी प्रमुख फिल्म। अब देखो भाई कौन कौन सी साथियों के काव्य कथाओं पर फिल्में बनी थी वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो चरणदास चोर नामक कहानी का नाटक के रूप में रूपांतरण, ठीक है ना, चरणदास चोर नामक जो कहानी थी साथियों ना, उसका नाटक के रूप में रूपांतरण किसने किया था, विजयदान देता उर्फ बिज्जी ने। और इस पर जो फिल्म बनती है 1975 में श्याम बेनेगल ने बनाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि चरणदास चोर नामक पर फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी, श्याम बेनेगल के द्वारा। और परिणीति पर प्रकाश झा के द्वारा 1989 में। द्विधा अलेखु हिटलर, ठीक है, तो द्विधा आपकी मणि कोल हो जाएगा और पहली आपकी हो जाएगा साथियों अमोल पालेकर, ओके, ठीक है। तो ये इनकी कहानी संग्रह पर क्या बनती है भाई, आपके यहाँ पर फिल्म बनती है, ठीक है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट आगे आता है इसमें विजयदान देता की लोक कथाओं का संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ ने इस नाम से प्रकाशित किया, इस नाम से सपन प्रिय, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन आपको आ जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ ने विजयदान देवताओं की कथाओं को किस नाम से संकलित किया है, तो किस नाम से किया भाई, सपन प्रिया के नाम से किया है, ओके, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार में आते हैं पद्मश्री 2007 में, बिहारी पुरस्कार 2002 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 है, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार है और राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये साथियों ने क्या मिल चुके भाई, यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों ये इनके क्या है भाई, प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि बापू के तीन हत्यारे 1948 है, बातारी फुलवारी 1960-1975 है, अनोखा पेड़ 1968 है, चोगराई सॉरी चौंदराई की चतुराई, ठीक है ना, और सत्यन प्रिया है 1997 है, मेरा दर्द कोई ने जाने 1997 है, महामिलन एक उपन्यास था 1998 का, और प्रिय प्रिय मृणाल ये है कि इनका रूख है, और अलेखु हिटलर, ठीक है, अलेखु हिटलर द्विधा, ठीक है, ये आपके साथ में क्या है प्रमुख साहित्यक रचनाएं हैं। टीडो राव 1965 में रचित पुस्तक जो जेब में रखी जा सकती है, ध्यान रखना इसके बारे में, इसके बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि विजयदान देता की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे जेब में भी रख सकते हैं, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, टीडो राव हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, अब जो अपना बचा हुआ एक क्लास इसकी और होगी साहित्य की, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको पढ़ेंगे आने वाली अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।